बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नदा आसिम फ्रॉम सलोन एस्थेटिक कलेक्शन की तरफ से आज डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। हाइड्रा 7-in-1 मशीन की इंस्टॉलेशन, इसकी यूजेज और इसके टूल्स की हाउ नाउ। फर्स्ट स्टार्टिंग, जब हम हाइड्रा को ऑन करते हैं, साइड पे हमारा पावर बटन है, इसको ऑन करने के साथ हमारी LCD के ऊपर मेंशन आती है तमाम टूल्स की डिटेल्स और इसकी अपने जो कैरी करना है उनकी इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे 7 टूल्स के साथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रा 7-in-1, फर्स्ट टूल हमारा जो है अब्रिजन। अब्रिजन की जो सेटिंग है, पावर केबल जो अटैच होती है, यहाँ पे मेंशन है अब्रिजन, जहाँ पे अपने टूल को असेंबल करना है। इसको बड़ा ईजीली आप कैरी कर सकते हैं। पावर केबल जब आपने इसकी अटैच करनी है लॉक करते हुए, हर टूल के साथ इसका नाम मेंशन है जहाँ पे इसकी पावर केबल अटैच होगी। फर्स्ट टूल अब्रिजन, अब्रिजन के साथ हमारी जो वर्किंग है, 3 बॉटल्स, फ्रंट की जो बॉटल्स हैं A, B, C, इसमें हमारे तीनों सीरम्स यूज़ हो रहे हैं। A हाइड्रोनिक एसिड सीरम, B ऑयल कंट्रोल एक्नी स्किन सीरम, C एंटी एजिंग। इन तीनों सीरम्स की जो हमने कैरी करना है फ्रंट पे 3 बॉटल्स के साथ, जो ऊपर बटन दिए गए हैं जिस पे मेंशन किया गया है सेलेक्ट A, B, C, D। डी बैग बेसिकली वाटर है हमारा, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ। ए अगर आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट मोड पे जाते हैं, तो ए की जो आपकी सेटिंग है, आप ए पे सेलेक्ट करते हैं तो ए से आपका सीरम आएगा। मूव करते हुए बी सेलेक्ट करते हैं तो आपका बी से सीरम आएगा। मूव करते हुए सी सेलेक्ट करते हैं तो सी से सीरम आएगा। डी सेलेक्ट करते हैं तो बैक पे आपकी बॉटल्स हैं 2, जो मैं आपको कैरी कर दिखा दूं। ए H2O2 और दूसरी बॉटल जो है वो वेस्टेज है। जितना वर्क होगा वो सारा आपका वेस्टेज में आएगा, जितने भी सीरम्स। डी हमारा बेसिकली वाटर थेरापी ट्रीटमेंट है, इसमें मिनरल वाटर या डिस्टिल वाटर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा सीरम्स का वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से होगा और अब्रिजन टूल के साथ हम इसको कैरी करते हैं। फर्स्ट टूल हमारा अब्रिजन, जिसमें आपके तीनों सीरम्स एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं। साथ जो हमारे 2 इसके साथ जो बटन है, ए एक में इसमें हमारे पास वाटर है और सेकंड सिलेक्शन जो आती है वो एयर की है। अगर हमारा सेंसिटिव स्किन आ जाती है तो एयर मिनिमम होगा और वाटर थेरापी मैक्स पे होगी, और अगर नॉर्मल स्किन आ जाती है और उस पर हम अब वाटर थेरापी कम ज़्यादा कर सकते हैं और एयर भी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट एयर की सेटिंग करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे वाटर थेरापी होती है। डी को सिलेक्ट करते हैं तो बैक से आपका वाटर आता है, और अकॉर्डिंग टू स्किन, अगर आपकी एक्नी की स्किन है तो बी सिलेक्ट करके सीरम ड्रॉप करेंगे स्किन के ऊपर। वाइटनिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप ए सिलेक्ट करके सीरम लेंगे, और एंटी एजिंग प्रॉब्लम है या यंग स्किन है तो आप सी सीरम्स ड्रॉप करेंगे। ये तीनों सीरम्स की वर्किंग, वाटर थेरापी ट्रीटमेंट की वर्किंग सिर्फ और सिर्फ हमारे अब्रिजन टूल के साथ है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, सक्शन पावर की आपको आइडिया होगा। अगर हमारे क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो इसका एयर और सक्शन, जिसके साथ हमने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आपने स्किन का एयर का प्रेशर रखना है मिनिमम और मैक्सिमम, जितना क्लाइंट बेयर करेगा। मिनिमम इसकी एप्लीकेशन टाइमिंग 10 से 5 मिनट की है। सेकेंड टूल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी LCD पे, हमारा स्क्रबर बेसिकली एक्नी टूल है। इसकी भी इंस्टॉलेशन, जो आप पावर केबल अटैच करते हैं, स्क्रबर की मेंशन है जहाँ पे आपका टूल अटैच होगा। कोई भी टूल अटैच करने के बाद आपने इसको लॉक ज़रूर करना है ताकि आपकी मशीन का जो पावर है, वर्किंग है, वो अच्छे तरीके से हो। सेकेंड टूल हमारा स्क्रबर। स्क्रबर बेसिकली पीलर है, आपकी स्किन की डेड सेल्स को पील करता है, आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और एक्नी को ट्रीट करता है। इसको जब हमने वर्किंग करना है तो LCD से ऑन करेंगे। LCD से ऑन करने के बाद जितने भी हमारे 00 जहाँ पे मेंशन है, इनकी अपने सेटिंग मस्ट करनी है। जब आप इनकी सेटिंग करेंगे तो इनकी वर्किंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट ऑन ऑफ हमारा यहाँ से होगा। जब आप स्क्रबर के साथ अपनी स्किन को ट्रीट करती हैं, पील करती हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट इंटेंसिटी, मिनिमम और मैक्सिमम 10 हमारी मैक्स है,
मिनिमम पे जाना है तो हम इस साइड से अपने टूल की इंटेंसिटी वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रबर की टाइमिंग भी हमारी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट 3 से 4 मिनट, 5, 4 से 7 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। क्लाइंट जितने व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नीट एंड क्लीन होंगे, स्किन उतनी ही ग्लो और शाइन करेगी। एलसीडी से ही हमारा ये वाला टूल ऑफ होगा। नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है ऑक्सीजन स्प्रे। ऑक्सीजन स्प्रे बेसिकली आपकी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्किन। इसकी हमारी कोई सेटिंग नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने ऑन करना है और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट इसमें एयर और सीरम अकॉर्डिंग, इसमें हमारे पास हाइड्रोनिक एसिड सीरम, व्हाइटनिंग ग्लूटाथायोन, टी ट्री एक्नी स्किन, और इसके अलावा आप इसमें विटामिन सी सीरम लेकर भी स्किन पे डिपॉजिट कर सकते हैं। स्किन के ग्लो और शाइन देता है, साथ साथ आपके पोर्स को बहुत अच्छा मिनिमाइज करता है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा हीटअप कर रही है, लाइक पीएच लेवल आपका स्किन का अप हो गया है अब्रिजन और स्क्रबर से, तो ऑक्सीजन स्प्रे आपकी स्किन को नॉर्मलाइज करेगी और आपकी स्किन के अंदर सीरम्स को पैनिट्रेट करेगी, डीपली पैनिट्रेट करेगी। इसकी भी टाइमिंग 2 से 3 मिनट इनफ है। अगर क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा हीट कर गई है या पीएच लेवल अप हो गया है तो इंटेंसिटी और टाइमिंग आप दोनों चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं ऑक्सीजन स्प्रे के साथ। सेकेंड टूल हमारा है आरएफ। आरएफ इन रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आपकी 20 तक जाती है आरएफ की। लाइट सी टेंगलिंग फीलिंग है, इसी तरह से जब हम इसको अगर कैप्चर करते हैं तो हमारे टूल की जो मेंशन है आरएफ जहां पे आपने सैम्बल करना है अपने टूल को, और इंटेंसिटी आपने जो कंट्रोल करनी है आरएफ की फ्रंट से, 20 तक आरएफ की इंटेंसिटी जाती है मिनिमम और मैक्सिमम। हाइड्रा 7-in-1 में जो हम अभी टूल आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आरएफ, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टाइम पे आप इंटेंसिटी इसकी बढ़ा सकते भी हैं, कम भी कर सकते हैं। यंग स्किन के ऊपर इसकी इंटेंसिटी मिनिमम और एजिंग स्किन के ऊपर मैक्सिमम पर लेकर जा सकते हैं। और इसमें लाइट सी टेंगलिंग फीलिंग करंट की आती है, और अकॉर्डिंग टू स्किन अगर आप इस पर एंटी एजिंग सीरम लगाते हैं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आरएफ मूव करते हैं तो स्किन पे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं इसके। और टाइमिंग इंटेंसिटी दोनों अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आरएफ की आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मिनिमम टाइमिंग इसकी 3 to 4 मिनट्स और 5 to 10 मिनट्स यंग स्किन पे। 40 प्लस एज है तो आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट टूल मेरा है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिकली आपकी स्किन का पोर्स को बहुत अच्छा मिनिमाइज करता है, आपकी एजिंग स्किन को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। इसको भी जब हमने सैम्बल करना है तो अल्ट्रासाउंड मेंशन है, जो आप अपने हाइड्रा के टूल के साथ जब आप सैम्बल करती हैं। अल्ट्रासाउंड बेसिकली आपकी स्किन के पोर्स को बहुत अच्छा मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन के डार्क सर्कल्स को कंट्रोल करता है, एजिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। हीटिंग टूल है बेसिकली, ये स्किन के ऊपर हीट कर रहा होता है ताकि आपकी स्किन के पोर्स को इजीली पेनिट्रेट करके पोर्स को मिनिमाइज किया जाए। और इसमें इंटेंसिटी 1 to 10 तक जाती है। अगर आप चाहें तो इसकी इंटेंसिटी कम भी कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्किन प्रॉब्लम वाली है, तो आपने इसको ईजीली मिनिमम और मैक्सिमम पे ट्रीट कर सकते हैं। पोर्स को बहुत अच्छा मिनिमाइज करेगा, हीटिंग टूल है। जब भी आपने वर्किंग करनी है कोशिश करें एलसीडी वगैरह पे आपका गीला हाथ वर्क ना करे ताकि ये आपकी ब्लर ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है हमने। और नेक्स्ट टूल जो हमारा है एलईडी मास्क। एलईडी मास्क लेजर्स लाइट थेरापी ट्रीटमेंट है। इन टूल्स के बाद इसकी परफॉर्मेंस वर्किंग बहुत ज़रूरी है। एलईडी मास्क लेजर्स लाइट थेरापी ट्रीटमेंट है, जिस तरह से बाकी टूल्स के साथ हमारी इंटेंसिटी बनती है, सेम इसी तरह से एलईडी मास्क की इंटेंसिटी बनाएंगे। फ्लैश पे अगर हम डालते हैं तो एलईडी मास्क लेजर्स लाइट थेरापी ट्रीटमेंट आपका लाइट ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन को ट्रीट करता है, डार्क सर्कल्स को कंट्रोल करता है, पोर्स को बहुत अच्छा मिनिमाइज करता है, एजिंग कंट्रोल करता है, एंटी एक्नी और एंटी सेंसिटिव स्किन को कंट्रोल करेगा, सिर्फ और सिर्फ लाइट थेरापी ट्रीटमेंट। इसमें हमारे पास 7 रेम्बोस कलर्स हैं, हर कलर का अपना एक वर्क होता है जो आपकी स्किन को ट्रीट करेगा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। अगर आप इस पर मास्क अप्लीकेशन करना चाह रहे हैं बिफोर, तो आप मास्क अप्लाई करके एलईडी मास्क अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो टाइमिंग है 10 टू 15 मिनट्स है। अगर आपका क्लाइंट प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको टाइम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एलईडी मास्क की जो टाइमिंग है मिनिमम
5 to 10 मिनट्स की हैं। ट्रीटमेंट्स के दौरान अगर आप चाहें अदर ट्रीटमेंट्स में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। ऑफ भी हमारा एलईडी मास्क एलसीडी से ही होगा। लास्ट टूल जो हमारा है आइसिंग कूल हैमर, आपकी स्किन को ट्रीट करता है। जितने भी हमारे टूल्स वर्क कर रहे हैं उसमें आपकी पीलिंग है, पेनिट्रेशन है, टेंगलिंग फीलिंग है करंट की, तो आइसिंग कूल हैमर बेसिकली आपकी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करेगा। बहुत अच्छा आइसिंग आपकी स्किन को रिलैक्स करता है, स्किन के रेडनेस को कंट्रोल करेगा, स्किन का पीएच लेवल बहुत अच्छा मैनेज करता है। अब बिफोर ट्रीटमेंट्स अगर आपने कोई सलोन पे वैक्सिंग ट्रीटमेंट दिया है या आपने ब्लीचिंग प्रोसेस फेस पे दिया है तो भी टैप टैप करके 5 से 7 मिनट आप अपना कूल हैमर यूज़ कर सकती हैं। कूल हैमर की भी सेटिंग सैम्पलिंग हमारी यहाँ पे मेंशन है, जो जो टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं उन सब की यहाँ पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, आपने कैसे सैम्पल करना है, कैसे अटैच करना है। कोई भी पावर केबल किसी और दूसरे टूल के साथ अटैच नहीं होगी। जितना भी आपको ये हाइड्रा की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ फेस करना पड़ता है, क्लाइंट आके कहता है मेरा यूनिट ऑन नहीं हो रहा, तो आपने अपना वेस्टेज जो बॉटल है इसको क्लियर रखना है। 4 या 5 ट्रीटमेंट के बाद अगर आपका ये वेस्टेज ट्रीटमेंट रिमूव नहीं करते तो आपका ये ऑटोमेटिक यूनिट ऑफ हो जाता है, जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि मेरा यूनिट वर्क नहीं कर रहा या वर्किंग करते करते ऑफ हो गया या स्टक हो गया। तो जब भी आपके मशीन का वेस्टेज फुल होगा तो आपका ये यूनिट ऑटोमेटिक अपने आपको ऑफ कर देता है। और यहाँ पे इस जगह पे फ्रंट पे डिलीट का ऑप्शन आता है कि एरर आ रहा था और बार बार डिलीट करें, तो डिलीट ऑप्शन आपका वेस्टेज खाली होगी तो आपका यूनिट दोबारा से वर्क करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसकी एप्लीकेशन के साथ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।